दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि वर्कआउट करने से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि केवल वर्कआउट करने से ही हमारी बॉडी बनती है, क्योंकि जब तक आपके शरीर में न्यूट्रिशन सही नहीं जाएगा, वर्कआउट कितना भी करते रहो मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ का मतलब होता है जब आपकी मसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, सही डाइट मिलती है, तो जो मसल्स आपने वर्कआउट करते समय ब्रेक की है वो मसल सही से रिपेयर होती है, जिससे हमारी बॉडी समय के साथ में बड़ी होती जाती है, मसल्स हमारी बड़ी होती जाती हैं, और उसे ही हम कहते हैं कि हमने अपनी बॉडी बना ली। तो बॉडी बनाने का सीधा सा एक रूल है, वर्कआउट करो, उसके साथ में बैलेंस डाइट लो। आप लोगों को आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फूड्स जिन्हें खा के आप अपनी मसल्स ग्रोथ तेजी से कर पाएंगे। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारी मसल्स होती है जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो ब्रेक होती है, और उसको सही करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसमें हमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, इन तीनों की जरूरत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी मसल्स ग्रोथ और अच्छे से हो पाती है, मसल्स रिपेयरिंग हो पाती है। सबसे पहले अपने फूड की बात करेंगे, वो एक ऐसा फूड है जिसको खाने से आपकी बॉडी तो बनती है, लेकिन ये फूड उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है जो लोग पतले दुबले हैं। आप सभी को यह बात पता है कि जो लोग पतले दुबले होते हैं वो अपने वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ पाता है, और वो बहुत सारी चीजें अपना लेते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, लेकिन वजन नहीं बढ़ पाता है। और इसीलिए ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी, जिनका वजन कम है वो अपना वजन बढ़ा पाएंगे, जो मसल्स ग्रोथ करना चाहते हैं वो अपनी मसल्स ग्रोथ भी सही से कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला फूड है जो हमारे वजन को बढ़ाने में, हमारी मसल्स ग्रोथ को करने में मदद करेगा, वो है शकरकंद। आप लोगों ने स्वीट पोटैटो का नाम सुना होगा। जो शकरकंद होती है ये क्या करता है, ये आपके मसल्स ग्रोथ के लिए तो अच्छा है ही, साथ में सबसे जरूरी चीज, ये आपके वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो रोज एक से दो शकरकंद आप लोग खाना शुरू कर दो, आप लोग देखोगे कि केवल एक महीने के अंदर में आपको फर्क दिखेगा और आपका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपका जो मसल मास है वो बढ़ने लगेगा, जिससे आपका शरीर देखने में हैवी और चौड़ा लगेगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट फूड की हम बात करते हैं, जो कि है खजूर, यानी डेट्स। मैं आपको खजूर के बारे में पहले भी बता चुका हूं, खजूर में आप लोगों को मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, उसके साथ में बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपका दिमाग तेज होना चाहिए, तो अगर आप खजूर खाओगे तो आपका दिमाग भी तेज होगा। उसके साथ में सबसे जरूरी चीज, ये आपकी किडनी को क्लीन करने में मदद करता है। किडनी क्लीन होगी तो जो भी प्रोटीन खाओगे ना वो सही से शरीर में लगेगा, सही से प्रोटीन पचेगा, तो आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो खजूर भी आप लोग खा सकते हैं बिफोर वर्कआउट। अगर आप लोग खजूर लेते हो तो वर्कआउट करने में भी आप लोग को ताकत मिलेगी, एनर्जी फील होगी। उसके बाद में नेक्स्ट फूड की बात करते हैं, जो कि है बाजरा। बाजरे का आप लोगों को लेना है आटा, और उसको आप लोगों को खाना है, उसकी रोटी बना के खाना है, बाजरे की रोटी बना के खाना है। तो इससे होगा क्या, इसमें आप लोगों को मिलेगा हाई प्रोटीन, वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप लोग बाजरा टाइम टू टाइम खाते रहते हैं, बाजरे की रोटी खाते रहते हैं, तो इससे होता क्या है, आपको फाइबर मिलता है, और हाई फाइबर करता क्या है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। एक बात को समझ लो, चाहे जितना आप लोग खाते रहो पचेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा तो जो खाओगे ना वो सही से पच पाएगा, जो आपके शरीर में लग पाएगा। तो बाजरे की रोटी खाना आज से शुरू कर दो, आप लोग देखोगे कि वजन बढ़ेगा। बॉडी बिल्डिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अपने फूड की बात कर लेते हैं, बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में हाई प्रोटीन होता है, जो लोग वेजिटेरियन है वो सोयाबीन खा के ही अच्छा खासा प्रोटीन ले लेते हैं, क्योंकि केवल 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इतना प्रोटीन तो आपको वे प्रोटीन 100 ग्राम में नहीं मिल पाएगा, जितना प्रोटीन आप लोगों को मिल जाता है सोयाबीन से। तो आप लोग सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन को सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है। क्या करना, सोयाबीन की जो खली होती है उसको भी खा सकते हो सब्जी बना के, नहीं तो आप लोग सोयाबीन जो होता है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, हल्का सा पानी में भिगो के रात में रखो और सुबह उसको चने के साथ में खाओ। सोयाबीन और चना एक साथ जब आप लोग खाओगे तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन दोनों एक साथ मिलेगा, जो आपका वजन बढ़ाने में, आपको बॉडी बिल्डिंग में, आपकी मसल्स ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करेगा।
क्योंकि वर्कआउट करते समय हमें एनर्जी की, एंड्योरेंस की जरूरत होती है। और अगर आपकी बॉडी में भी एनर्जी कम रहती है तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप लोग सुनोवा का इजी लाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग को ग्रेप सीड मिलता है, ग्रेप सीड में आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। उसी के साथ में ये आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें आप लोगों को स्पिरुलिना मिलता है जो कि एक तरीके का सुपर फूड है जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें भी आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, साथ में विटामिन ई मिलता है। और आपके ये अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ये उसे इंप्रूव करने में, उसे प्रिवेंट करने में, कम करने में मदद करता है। इसमें आप लोगों को अश्वगंधा भी मिल जाता है जो कि हमारी मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे मसल फाइबर ब्रेक होते हैं, जिसे रिपेयर करने में अश्वगंधा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसी के साथ में इसमें आप लोगों को गोक्षुरा मिल जाता है। देखिए गोक्षुरा क्या करता है, ये आपके मेंटल वेलबीइंग को अच्छा करता है, आप लोगों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो मतलब इतनी सारी चीजें आप लोगों को सुनोवा के इजी लाइफ में मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर पाओगे, अपनी जो एनर्जी है उसे बूस्ट कर पाओगे। वर्कआउट के टाइम पर यह बहुत काम आने वाला है। साथ में ये आपके अलर्टनेस को बढ़ाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बीमार नहीं पड़ोगे, तो आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी होने लगेगी। जब आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करने से पहले अगर आप लोग ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो वर्कआउट में आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपकी मसल्स गेन धीरे धीरे होने लगेगी और आपकी बॉडी भी हेल्दी हो जाएगी। मैं आप लोगों को सुनोवा के इजी लाइफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड की, जो कि है चिया सीड। आप लोगों ने चिया सीड का बहुत बार नाम सुना होगा। चिया सीड बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मसल्स जो होती हैं वो रिपेयर होने में मदद मिलती है, साथ में उनको बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। चिया सीड में आप लोगों को विटामिन बी मिल जाता है, उसके साथ में इसमें आप लोगों को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम हैवी वेट उठाते हैं, जिसमें हमें ताकत की जरूरत होती है, एक्टिवनेस की जरूरत होती है। तो चिया सीड अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में आपको एक्टिवनेस देता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा वेट उठा के अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स ग्रोथ को करने में इसका आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है चिया सीड को, मैं आपको ये भी बता देता हूं। चिया सीड आप लोग रात में थोड़े से चिया सीड, मतलब 10 से 15 ग्राम चिया सीड आप लोग हल्के पानी में भिगो देना, और सुबह उठ के उसको आप लोग चिया सीड को खा लेना, उसका जो पानी है उसको पी लेना। तो आप लोग देखोगे कि समय के साथ में आपकी मसल्स ग्रोथ भी होगी, साथ में आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में आप लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए चिया सीड एक बहुत अच्छा फूड है। जितने भी फूड मैंने आपको बताए, इन सभी फूड को इस्तेमाल करके आप लोग अपनी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। अपनी मसल्स ग्रोथ को करने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये सारे फूड बहुत जरूरी हैं। साथ में सुनोवा के इजी लाइफ का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मसल्स गेन करना चाहते हो तो उसे भी एक बार आप लोग इस्तेमाल करके जरूर देख लेना। ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप लोग इंफॉर्मेटिव देखना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिख रहे होंगे। यहीं पे वीडियो पे क्लिक करो और डायरेक्ट उस वीडियो पे आप लोग पहुंच जाओगे।